मेरे प्यारे देशवासियों, हर देश की विकास यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब देश खुद को नए सिरे से परिभाषित करता है, खुद को नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ाता है। भारत की विकास यात्रा में भी आज वो समय आ गया है। 75 वर्ष के अवसर को हमें एक समारोह भर ही सीमित नहीं करना है। हमने नए संकल्पों को आधार बनाना है, नए संकल्पों को लेकर के चल पड़ना है। यहां से शुरू होकर अगले 25 वर्ष की यात्रा, जब हम आजादी के शताब्दी मनाएंगे, नए भारत के सृजन का यह अमृत काल है। इस अमृत काल में हमारे संकल्पों की सिद्धि हमें आजादी के 100 वर्ष तक ले जाएगी, गौरवपूर्ण रूप से ले जाएगी। अमृत काल का लक्ष्य है भारत और भारत के नागरिकों के लिए समृद्धि के नए शिखरों का आरोहण। अमृत काल का लक्ष्य है एक ऐसे भारत का निर्माण जहां सुविधाओं का स्तर गांव और शहर को बांटने वाला न हो। अमृत काल का लक्ष्य है एक ऐसे भारत का निर्माण जहां नागरिकों के जीवन में सरकार बेवजह दखल ना दे। अमृत काल का लक्ष्य है एक ऐसे भारत का निर्माण जहां दुनिया का हर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हम किसी से भी कम न हो। यही कोटि कोटि देशवासियों का संकल्प है। लेकिन संकल्प तब तक अधूरा होता है जब तक संकल्प के साथ परिश्रम और पराकाष्ठा की पराकाष्ठा ना हो। इसलिए हमें हमारे सभी संकल्पों को परिश्रम और पराक्रम की पराकाष्ठा करके सिद्ध करके ही रहना है। और ये सपने, ये संकल्प अपनी सीमाओं के पार सुरक्षित और समृद्ध विश्व के लिए भी प्रभावी योगदान के लिए है। अमृतकाल 25 वर्ष का है, लेकिन हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इतना लंबा इंतजार भी नहीं करना है। हम अभी से जुड़ जाना है। हमारे पास गंवाने के लिए एक पल भी नहीं है। यही समय है, सही समय है। हमारे देश को भी बदलना होगा और हमें एक नागरिक के नाते अपने आप को भी बदलना ही होगा। बदलते हुए युग के अनुकूल हमें भी अपने आप को ढालना होगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी श्रद्धा के साथ हम सब जुट चुके हैं। लेकिन आज लाल किले की प्राचीर से आह्वान कर रहा हूं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास,
हमारे हर लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।